साउथ और नॉर्थ की भिड़ंत है, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस तमिल थलाइवर्स। तमिल थलाइवर्स जयपुर पिंक पैंथर्स। रेड मशीन अर्जुन देशवाल, और आप सुन सकते हैं स्टेडियम में क्या माहौल हो जाता है जब अर्जुन देशवाल आते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं मंत्रा हर्षित और मेरे साथ में संजय बैनर्जी। अर्जुन देशवाल का रिकॉर्ड आपके सामने 10.5 का औसत है इनका, यानी कि हर मुकाबले में सुपर 10 लगाते हैं। इनकी इनका फैन क्लब और बढ़ता जा रहा है, हर रोज इनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। बोनस पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। सचिन तंवर ने भी बोनस की शुरुआत की है। संजय दा, इन दोनों को देखकर आपको लगता है कि भारतीय कबड्डी का वर्तमान और भविष्य सेफ हाथों में है। अर्जुन देशवाल की शुरुआत बिना पॉइंट के, केवल एक बोनस मिला है उन्हें और डैश आउट हुए। धर्मराज चरणलाथन की स्ट्रैटेजी काम आ रही है। संजय, अभिषेक मनोकरण वहां मौजूद है। संजय दादा, राइट कवर से क्या अटैक किया उन्होंने, अर्जुन की टर्न को नलीफाई किया था। इस बार नरेंद्र ने बोनस का प्रयास किया है, लेफ्ट हैंड से अटैक आया है। अर्जुन बाहर है, नरेंद्र बाहर है। संडे की शानदार शुरुआत है, लगातार एक ही जगह पर फुटवर्क कर रहे हैं, और ऐसा हमने अर्जुन को पहले भी करते देखा, लेकिन इस बार एम अभिषेक डैश आउट करना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली। अर्जुन को मिली कामयाबी, 2 पॉइंट लेकर के गए। परिवार के साथ जाइए और कबड्डी का मैच देखिए, बिल्कुल सेलिब्रेशन है। और ये टर्न 1 पॉइंट तमिल थलाइवर्स पर, 6 आउट। आमिर पे नजर रखिएगा, यह फ्रंटल ब्लॉक की कोशिश और सचिन तंवर उतरे। यहां पर अभी डिस्कशन चालू है, अभी देखते हैं कि क्या कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है। सुपर टैकल, यानी कि रॉ सुपर टैकल आता हुआ, मगर की जकड़। लेफ्ट कॉर्नर जरूर पीछे जा रहे थे, बट कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए थे ज्यादा स्ट्रगल में। जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस कितना फूक फूक कर कदम रख रहा है, तकरीबन चुनौती दी, लेकिन यहां गलती कर गए सचिन। बोनस पॉइंट तमिल थलाइवर्स, जबरदस्त तरीके से यहां पर पकड़ बनाई। अर्जुन देशवाल एक बार आउट हो चुके हैं सुपर टैकल में, लेकिन अर्जुन देशवाल गलतियां बार बार नहीं करते। या करेंगे, नहीं करेंगे, गलती करवाएंगे डिफेंडर से। 21 out, 1 point, जयपुर पिंक पैंथर्स। को बाहर किया। दोनों ही टीमें एकदम चढ़कर खेल रही हैं। आपके पास चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स का फुल हाउस है इस वक्त मैट पर। और विशाल, जिन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पे मौका मिला था, आए और गए, बोल जरूर लेकर गए हैं, लेकिन लीजिए पहला ऑल आउट आज की शाम का। अर्जुन देशवाल भी ऐसे ही उभरे थे, इसी प्रकार सचिन तंवर उभरे थे, और नरेंद्र खंडोला तो उभर ही रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीजन दर सीजन इन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, हालांकि इस वक्त गिरफ्त में लिए गए। लकी शर्मा ने उनको बैक होल्ड किया है। सचिन तंवर वापस अंदर, और अभिजीत मलिक पर हैंड टच लगाया है। नंबर 8 आउट, 1 पॉइंट तमिल थलाइवर्स। सचिन तंवर, रेजा खुद ही को कर बुलंद बना कि हर रेडर तुमसे पूछे बताते ही रजा क्या है। हमारी रजा है कि आप रुके और वापस जाए। डू और डाई आ चुकी है जयपुर पिंक पैंथर्स की इस मुकाबले की। पहली विकास कंडोला, आज एक बार भी उन्हें पकड़ा नहीं गया है तमिल थलाइवर्स के डिफेंस द्वारा। क्या फिर से 14 अंक अपना अर्जित करेंगे, फुटवर्क दिखाने की कोशिश है। राइट कॉर्नर को टीज किया है, सिर्फ ब्लफ किया था, राइट कॉर्नर से चूक हुई और विकास को मिला एक और निरंतर पॉइंट। यहां तो गोद में उठाकर ले गए नरेंद्र को। 1 पॉइंट आज तो जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस भी बोल रहा है, उनकी रेडिंग डिपार्टमेंट भी बोल रही है, शोर मचा रहे हैं जेपीपी वाले। और डू ऑर डाई रेड में अभिजीत मलिक, ये बहुत ही स्मार्ट मूव जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से, लेकिन तमिल थलाइवर्स के प्लान्स कुछ और थे। अभिषेक मनोकरण ने सबसे पहले उनके इंपैक्ट को रोका, उनकी स्पीड को रोका, और बाकी लोग फिर टूट पड़े।
और अब लीग के सबसे बेहतरीन डू और डाई स्पेशलिस्ट आए हैं, पर सामने कौन है? अंकुश रॉडी ने सचिन तंवर के अंकों पर यहां लगाया है अंकुश, एक अच्छी डाइव। अब टाइम चेंज द पोस्ट। इसी के साथ ये पहला हाफ समाप्त हो गया, 20 मिनट का खेल समाप्त। जयपुर पिंक पैंथर्स लीड कर रही है इस वक्त 5 पॉइंट से। सचिन तंवर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक रिप्लेसमेंट अपनी टीम में डाला है और चंद्रन रंजीत को मौका मिला है, हालांकि वो मैट पर है, अभी तक आए नहीं है रेड पर। नरेंद्र कंडोला एक बार फिर से, ओ क्या छलांग लगाने की कोशिश, क्या शानदार उछाल थी। वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, लेकिन गिरफ्त में ले लिए गए और इसाफ का ये पहला सक्सेसफुल टैकल। यहां सवाल यही उठ रहा है कि अर्जुन क्यों गए इस डू और डाई रेड पे। विकास खंडोला जो कि पहले भी डू और डाई रेड में पॉइंट उठा के लाए थे, लेकिन आई एम श्योर अर्जुन देशवाल को कॉन्फिडेंट है, अपने कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस जब आपके दिलो दिमाग पे छाता है तो डू और डाई रेड क्या नॉर्मल रेड फर्क नहीं पड़ता। और मंत्रा आपने शुरुआत में कहा था कि क्या आज जयपुर पिंक पैंथर्स साबित कर पाएगी कि उनके खून गुलाबी नहीं लाल है, और विकास खंडोला साबित कर रहे हैं जी। और एक बार फिर से रेजा को घेरा, चंद्रन रंजीत को बहुत ही समझदारी के साथ मैट पे उतारा है। अर्जुन देशवाल जयपुर पिंक पैंथर्स से लगातार रेड लगा रहे हैं, पिछली 5 रेड 2 पॉइंट एक बार पकड़े गए हैं और कुछ एम्प्टी रेड का समावेलन। आज 7 रेड पॉइंट है, बट लेफ्ट कॉर्नर आखिरकार वो एंकल होल्ड नजर आता हुआ तमिल थलाइवास को, बहुत समय के बाद डिफरेंस में पॉइंट मिलता हुआ। यहाँ एक बार फिर से लकी शर्मा के सामने, और लकी शर्मा ने कहा नॉट सो लकी मिस्टर कंडोला। वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, बढ़िया एंकल पकड़ा लकी ने। और अब विकास जो अभी तक एक भी बार आउट नहीं हुए आज के मुकाबले में, और एक बार फिर करीबी मामला हो सकता था, चलिए शुभारंभ हुआ विकास कंडोला के आउट होने का। यहाँ क्या सचिन तंवर डू और डाई स्पेशलिस्ट, इनकी पोजीशन से आज अभी जीत रेड में नहीं चमक रहे, बल्कि क्या डिफेंस में उन्होंने ये टैकल इनिशिएट किया और सचिन का शिकार बनाया और अर्जुन को अंदर क्या लेकर आए। डू और डाई रेड एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन रहती है, बिना पॉइंट लिए वापस आना मुश्किल, और रोक लिए गए। नितेश ने शुरुआत करी, वन पॉइंट तमिल तलाइवास। विकास कंडोला आज की शाम आग का गोला। वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, आखिरकार जयपुर पिंक पैंथर्स जिस सेकंड रेडर को तलाश रहे थे वो विकास कंडोला से बेहतर और कौन हो सकता है। एक 7 मिनट में तो क्या से क्या नहीं हो जाता कबड्डी के मैट पर। ओ क्या बढ़िया उछाल यहां पर, शानदार फ्लाइंग हैंड टच विशाल चहल द्वारा, और सुरजीत अनुभवी सुरजीत को बाहर किया। ये बताता है कि जयपुर पिंक पैंथर्स के खेमे में कितना बैलेंस आज नजर आया है। राइट कॉर्नर रिवर्स एंकल होल्ड की कोशिश, विकास कंडोला का आज फॉर्म पिंक पैंथर्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज रही है। सचिन तंवर भी आज बहुत बार पकड़े गए हैं, 5 बार उन्हें भी रोका गया है पिंक पैंथर्स के डिफेंस की तरफ से, अच्छी मूव दिखाने की कोशिश है, बैक किक भी लगाने गए, रनिंग हैंड टच, सुरजीत ने अपने आप को अच्छा बचाया। 3 सफल रेड रही और 5 असफल रेड सचिन तंवर की आज, क्या ये चौथी सफल रेड है और ये बड़ी सफल रेड है। सचिन तंवर का मानना है कि उन्होंने रेजा को भी हाथ लगाया, रेजा मानने को तैयार नहीं है, रिव्यू किसी के पास भी नहीं है, उंगलियां उठाई जा रही है संजय दा, मुझे लगता है 2 टच है, लेकिन रेजा का हाथ लग गया वहां पर, मल्टी पॉइंट रेड दी गई है यहां पर सचिन तंवर। सुरजीत पे नजर रखिएगा, सुरजीत को अटैक करने की कोशिश सचिन तंवर की, अंकुश लेफ्ट कॉर्नर पर, सुरजीत धूप में बाल सफेद नहीं किए इस खिलाड़ी ने हमेशा से, ये डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट लिए वापस आना नामुमकिन। विकास कंडोला ने बढ़िया यहां पर बैक किक लगाने की कोशिश, खरगोश की तरह फुदक रहे हैं यहां, लेकिन रोक लिए गए तमिल तलाइवास की तरफ से। पहली बार एक किसी ने हिम्मत दिखाई विकास कंडोला का फ्रंट पे आके ब्लॉक करने की। अगर ये एक बड़ी रेड हो सकती है, अगर ये एक मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है, तो तमिल तलाइवास इस गेम में वापसी कर पाएंगे। लकी शर्मा उनको अटेम्प्ट किया और पॉइंट लेकर गए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट दादा, ये ऑलमोस्ट पॉइंट दिया गया है।
पूरे सेकंड्स का उपयोग करने की चाहत दिखाएंगे। बहुत अंदर जा रहे हैं, डिफेंस धैर्य रख रहा है, सेक्टर में जाकर बॉल चुराने का प्रयास, पर तमिल तलाईवास का डिफेंस एक साथ आता हुआ। तमिल तलाईवास, चलिए यहाँ पर दो पॉइंट्स की जरूरत तमिल तलाईवास को, लेकिन साथ ही साथ दो पॉइंट जयपुर को भी मिल सकते हैं। रोको रोको, लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया। जयपुर पिंक पैंथर्स रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप उन्हें रोक सकते थे सचिन तंवर को। 10 सेकंड का खेल बाकी है दोस्तों। रेजा को पॉक लाइन क्रॉस करनी है, बिना पॉक लाइन क्रॉस किए वो वापस नहीं जा सकते, और ये पॉक लाइन क्रॉस नहीं की है अभी तक के, और रोक लेगा। एंड इट इज अनदर सीजन 11 का दूसरा टाई, लगातार दूसरे दिन लगातार दूसरा टाई, क्या कमाल का प्रदर्शन, ये प्रो कबड्डी है।